And suddenly we found a big bang. And then we saw two F-104s dashing towards the Indian side. So वो जो big bang था actually that was the बाद में हमें पता लगा उस वक्त तो हमें इस चीज़ का इदराक नहीं था कि that was actually कि उन्होंने साउंड बैरियर अपना जो था वो क्रॉस किया. जब जहाज उड़ते थे हम लोग उनको देखते थे. जंग शुरू हो चुकी है तो हमारे बहादुर फौजी की पेशकदमी जारी है. पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे. I can't tell you कि वो क्या जज्बा था. खुदा की कसम वो जज्बा. मैं उस वक्त 18 साल था क्योंकि उम्र में था. 1965 की जंग में 11 साल का था. हमने मैट्रिक किया था और मैट्रिक करके एफसी कॉलेज में दाखिल हुए थे. फौज और सिविल जो लोग हैं ये पता चलते नहीं फौजी में कौन है और जो सिविल वाला कौन है. 2 साल के बच्चे के से लेके 80 साल 90 साल के बुजुर्ग भी सब फौजी नजर आ रहे थे. और हथियार भी कोई नहीं, ये भी हाथों में डंडे पकड़े हुए. डर कोई खौफ किसी किस्म की कोई पैनिक में आवाम नहीं थी. और लोग अपने साथ घरों से चीजें लेके आए हुए हैं, खाने की हैं. पता नहीं चला कि लोग कहाँ से चने, कहाँ से खुराक, कहाँ से पानी. अपनी मोहब्बत के साथ छलांगे लगाते, नारे लगाते लाके फौज के पास खिदमत में पेश किया. पता नहीं क्या क्या वो उनके उसमें डंप कर देते थे उनकी जीप्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर. औरतें अपने जेवर अपने खाने चीजें लेके सरहदों की तरह सड़कों पे आ गए. दे लेड देयर लाइफ्स फॉर दिस कंट्री, दिस मुल्क, दिस पाकिस्तान. वो जज्बा मैंने अब देखा है. ये जब 27 को इंडियंस ने हरकत की थी अभी नंदन उनका पायलट उसको भी गिरफ्तार किया. उस वक्त जो हमारी अवाम का जज्बा था उसने वो 1965 की जंग में जो अवाम का जज्बा था उसकी याद ताज़ा करा दी. अगर 6.5 लाख फौज है आपकी तो बाकियों को तो उनके रिश्तेदार तो सिविल में है. अगर हम पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो 22 करोड़ की 22 करोड़ पाकिस्तान की फौज है.